हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके विंडो आपके कंप्यूटर में विंडोज 7 कैसे इंस्टॉल करें। फंक्शन की बटन दबाइए मदरबोर्ड में, F8 या F10 जो रहेगा आपका मदरबोर्ड। देन आपको स्क्रीन पे बुटिक का जो है बुट स्क्रीन का ऑप्शन आएगा, उसके बाद प्रेस एनी स्क्रीन आएगा। देन ऐसा सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। ये जो सेटअप स्टार्ट होगा उसके लिए कुछ समय लगता है। उसके बाद अभी ये एग्रीमेंट आएगा विंडोज 7 का, उस पर क्लिक करना है। देन नेक्स्ट बटन प्रेस करना है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ पे अगर आप जुना रहेंगे तो अपग्रेड करना है, नहीं तो कस्टमाइज करना है। यहाँ पे ड्राइवर ऑप्शन में फॉर्मेट ओके पे क्लिक कीजिए। ये जो आपका ड्राइव है वो फॉर्मेट हो जाएगा। फॉर्मेट होने के बाद ये जो राउंड अप चल रहा है ये फॉर्मेट के लिए चल रहा है। अभी ये फॉर्मेट हो चुका है, अभी नेक्स्ट दबा दीजिए। अभी नेक्स्ट होने के बाद ये जो है ये इनिशियल जो बूटिंग फाइल रहे वो इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। इसके लिए वो 10-15 मिनट लेती है सिस्टम। 10-15 मिनट वेट कीजिए, तब तक ये 10-15 मिनट अभी निकल जाएंगे। देखिए कितना परसेंट हुआ है, 0%। अगर दोस्तों विंडोज 7 आपको USB से इंस्टॉल करना है तो आप रेफर्स ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके थ्रू आप पेनड्राइव में बूटेबल पेनड्राइव बना सकते हैं। वो बनाने के लिए मैं अभी एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, वो ज़रूर देखिए। तब तक ये मैंने से पेनड्राइव से ही किया है, बट आपको वीडियो बताना रहेगा है। अभी 91% हो चुका है। 91 ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो अपने पीसी में लगता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये अभी इंस्टॉलेशन हो गया है, विंडोज फाइल जो थी वो इंस्टॉलेशन हो गया है। अभी एक बार सिस्टम रिस्टार्ट होगा। सिस्टम रिस्टार्ट होने के बाद स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी और ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा। समटाइम कभी कभी क्या होता है यहाँ पे कि कैसे डिफॉल्ट बूट पेनड्राइव या सीडी होता है तो उधर ही चलने लग जाता है, फिर से मैसेज आता है प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी। बट कुछ करना नहीं है उस टाइम पे, सिस्टम चालू हो देना है। अगर आप कोई की प्रेस नहीं करेंगे तो विंडोज 7 में से बूट होगा जो अपना बाकी है। यहाँ पे आपकी जो रजिस्ट्री है वो अपडेट होगी, इसमें जो आपके जो न्यू ड्राइव्स वगैरह है वो यहाँ पे अपडेट होगा। वेट करना है आपको, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। लेट्स से अहेड, यहाँ पे जो सर्विसेज लगती है विंडोज 7 की वो स्टार्ट हो रही है। ग्राफिक्स सर्विसेज और इथरनेट सर्विसेज और बहुत सर्विसेज रहती है, एक्सप्लोरर सर्विसेज। ये जो है कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन, ये कुछ 5-7 मिनट लेगा। हम पॉज कर देता हूँ तब तक, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगी, इसलिए इसको पॉज कर देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। अब देखना है एक प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद एक बार रिस्टार्ट होगा, फिर स्टार्टिंग विंडोज़ हो गया है। इंस्टॉलेशन होने के बाद स्टार्टिंग विंडोज ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। रिस्टार्ट करने के बाद नाउ सी अहेड, देखते रहिए वीडियो पूरा डिटेल में, देखते रहिए, एक भी स्टेप मिस मत कीजिए, वरना आपका जो है कंप्यूटर का प्रॉब्लम हो सकती है। डोंट मिस। या फिर जो आपका वीडियो है वीडियोग्राफिक्स क्या है वो चेक हो रहा है, वो चेक करने के बाद आपका वीडियो परफॉर्मेंस दिखाया जाएगा बाद में। चेकिंग वीडियो परफॉर्मेंस, इट विल बी चेकिंग योर वीडियो परफॉर्मेंस। नाउ इट्स गोइंग टू अहेड। सिस्टम के जो सभी बेसिक स्टेप्स है यहाँ से लोड होते जा रहे हैं, एक एक चेक करते जाता है ऑटोमेटिकली। ये विंडोज 7 10 भी आ गया है, विंडोज 10 भी, लेकिन मुझे तो विंडोज 7 ही अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको यूज़र नेम टाइप करना है जो आपका है सिस्टम के लिए देना है, या जैसे मैं अभी यहाँ पे दे रहा हूँ ये नंबर, ये नेम। ऊपर
ऊपर डाला तो ऑटोमेटिक नीचे आता है बाकी का, और उसके आगे पीसी ऐड हो जाता है। देखिए दिख रहा है, यहाँ पे अभी आपको पासवर्ड पूछेगा। एक तो आप ब्लैंक रख सकते हैं या पासवर्ड भी डाल सकते हैं। पासवर्ड डालना है, लेकिन उसके बाद कंफर्म करना है उस पासवर्ड को, और उसके बाद रीहिंट देना है। रीहिंट, हिंट मतलब, हिंट मतलब आपको पता चलना चाहिए कि मैसेज क्या है, वो उसके लिए हिंट डाली जाती है। अभी नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे स्किप करके यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग, ये जो लेना है आपको 5:30 लेना है, मतलब कोलकाता अपना जो स्टैंडर्ड है टाइमिंग वो लेना है। नीचे आइए, 5:30 देख लीजिए। हाँ, तो इसे करके नेक्स्ट करना है आपको, देन आपके जो विंडोज सीन है फाइनलाइज हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक एक बार स्क्रीन जाने के आएंगे, रिस्टार्ट नहीं होगा यहाँ पे सिस्टम, सिर्फ वेलकम है, इसे स्टार्ट होगा आपका सिस्टम, फ्रेश सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। सिस्टम सी ड्राइव फॉर्मेट करने का एक फ़ायदा है कि आपका जो ओल्ड वायरस रहते या कुछ भी रहते तो वो स्लो चलता है पीसी आपका, तो इसलिए सी ड्राइव मोस्टली फॉर्मेट करके विंडोज 7 इंस्टॉल कर कीजिए, वो जो है फायदे सिर है आपके लिए। इस तरह आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब।